तो अब तक हमने क्या किया? अभी तक एसी में हमने ये किया कि अगर डीसी है तो करंट एस है, अगर एसी है तो करंट एस है। पहला रिजल्ट, एसी में करंट और वोल्टेज साइन की फॉर्म में ऐसे लिखी जाती है। इस चैप्टर में साइन की इंटीग्रेशन अगर करेंगे जीरो से टी, तो मैंने प्रूफ भी किया हुआ, आपको करना नहीं है, आपने याद करना है, सीधा आंसर क्या आएगा? जीरो। हालांकि कोई देखना चाहता है तो घर जाकर देख भी सकता है, पर करना नहीं है, सीधा ये करेंगे, साइन और कॉस के इंटीग्रेशन जीरो। साइन स्क्वायर के इंटीग्रेशन या कॉस स्क्वायर के इंटीग्रेशन क्या की थी? टी बाई टू करके दिखाई है, जरूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूला याद करेंगे, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के इंटीग्रेशन क्या होती है? टी बाई टू। नेक्स्ट मैंने करवाया एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। मैंने क्या करवाया? अगर ईएमएफ ई नॉट साइन ओमेगा टी तो करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट एंड वोल्टेज का फेज सेम है, ओमेगा टी ऐसा बना देना। तो इसके अंदर नेक्स्ट है कंटेनिंग इंडक्टेंस। इंडक्टर में क्या किया? ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट को क्या किया? ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो अगर ये ईएमएफ है एंगल ओमेगा टी, तो करंट पीछे चलेगा, इससे पीछे देखो, पीछे चल रहा है बाय एंगल ऑफ पाई बाई टू बना रखा है उसने। तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो क्या होती है? एक्स एल एल ओमेगा, जिसका नाम क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। यूनिट्स उसके ओम्स होते हैं, और मैंने लिख दिया इंडक्टर में कि ईएमएफ लीड्स करंट बाय एंगल ऑफ पाई बाई टू। इंडक्टर के अंदर एक्स एल और एफ का ग्राफ पक्का एनसीईआरटी के अंदर ऑब्जेक्टिव में आएगा, ये आएगा। एक्स एल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ प्लॉट करो, एक्स एल क्या होता है? एल ओमेगा, ओमेगा क्या होता है? टू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, तो एक्स एल क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। स्ट्रेट लाइन बनाना है आपने, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना है इसे। तो एक्स एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। नेक्स्ट है कैपेसिटेंस के अंदर इज ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। कैपेसिटर में वोल्टेज पीछे करंट आगे है, तो वोल्टेज का एंगल ओमेगा टी, तो करंट का एंगल आगे पाई बाई टू। फिर मैंने बताया कि इसमें ईएमएफ लैग्स करंट बाय पाई बाई टू। इसकी रिएक्टेंस क्या होती है? एक्स सी वन बाय सी ओमेगा, ओमेगा क्या होता है? टू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, तो एक्स सी क्या? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ये ग्राफ पक्का आएगा। एक्स सी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ प्लॉट करो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये मार्क करना इंपॉर्टेंट है। तो एक्स एल आएगा, एक्स सी आएगा, फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे चेंज करता है, ठीक है? यहाँ तक हमने कर लिया।